काम तो आपकी एप्लीकेशन मशीन के ऊपर ही करेगी, बट वो मशीन आपके पास नहीं है, मशीन इज समवेयर 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 दैट इज क्लाउड। हाय गाइस, वेलकम टू क्रेजी क्लाउन्स। सो होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सब लोग अपने कुशल मंगल हो। आप लोग सोच रहे होंगे 2-3 दिन से कोई पॉडकास्ट क्यों नहीं आया, बिल्कुल सोच रहे होंगे हमारे दर्शक। यस, तो आज हम पॉडकास्ट लेके आए हैं, बट एक नई सीरीज़ के साथ। वो एक सीरीज़ है जिसमें हम आईटी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैनल वही है, बट उसके अंदर एक नई प्लेलिस्ट बनेगी जो आपको मिलेगी। आज से हम बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में, हम बात करेंगे क्लाउड के बारे में, क्लाउड और स्पेसिफिकली एज्योर के बारे में। क्लाउड एक बहुत एक बज़ वर्ड है मार्केट में, आज से नहीं है, करीब मार्केट में 16 सालों से है ये। डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर्स, कितने लोग यूज़ कर रहे थे इसको। अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 15-16 साल पहले बहुत कम करते थे, और आजकल तो क्लाउड बहुत कॉमन सी बात हो गई है। एक जैसे एक समय सी शार्प पे काम करना, जावा पे काम करना, वो सब बहुत कॉमन था, वो आज भी है, कहीं नहीं जाएगा, वैसे ही क्लाउड पे काम करना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो कोई भी रिक्वायरमेंट मांगता है, अगर कभी आप जॉब स्विच करने का सोचेंगे, तो दिस नॉट जस्ट अबाउट फ्रेशर्स। अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए थे सब फ्रेशर्स के लिए थे, बट अभी ये दिस इज़ गोना बी कॉमन फॉर ऑल। तो कभी आप जॉब देखेंगे, जॉब ढूंढेंगे, तो आपको एक रिक्वायरमेंट ज़रूर मिलेगा क्लाउड का, मोस्टली मिलेगा कि आपको आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग इसमें सिंस क्लाउड के बारे में कुछ एजुकेशनल वीडियोस लाने वाले हैं, तो उससे पहले सब लोग भाई सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत इसमें टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, इवन दो एडिट हम कम करते हैं, फिर भी टाइम एनर्जी बहुत लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ये बोल रहा है, कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस, और कोशिश करें कि आप पूरा देखें। हो सकता है आपको शुरू में कुछ मोमेंट्स एक या दो मिनट बाद थोड़ा बोरिंग लगें, बट फॉर श्योर आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ नहीं वर्थ है, दिस इज़ वर्थ वॉचिंग डेफिनेटली। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बहुत लंबी वीडियोस ना बनाएं, बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी रखेंगे आज क्लाउड के बारे में, हाँ हम तो लाइट रखेंगे काफ़ी, यस यस, हम लोग शॉर्ट रखेंगे और कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर हम इसको फिनिश कर सकें, बिल्कुल, है ना। यस यस, नो वन लाइक्स बिग वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो थोड़ा क्लाउड के बारे में ओवरव्यू दीजिएगा आप, और ये बताइए कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, और क्या क्लाउड क्या ऑफर करता है हमें, है ना। क्लाउड के बारे में बहुत सारी बात है मेरे को करने को, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूँगा कि क्लाउड क्या है और क्लाउड क्यों चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता भी होगा, एक्चुअली उन्होंने काम भी किया होगा, बट मे बी एक पर्सपेक्टिव आता है जब डिफरेंट डिफरेंट लोग बात करते हैं, तो हर पर्सपेक्टिव लेना ज़रूरी है मेरा ऐसा मानना है। तो वो पर्सपेक्टिव मैं अपना दूंगा, बिकॉज मैं क्लाउड पे ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। तो आई हैव अ गुड पर्सपेक्टिव, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन क्लाउड, तो वो मैं शेयर करता हूँ। आपने तो आज बात करते हैं कि क्लाउड क्या है और क्लाउड क्यों चाहिए। And you also please feel free to add. Yeah, sure. You feel. So cloud क्या है, पहले चलते हैं क्लाउड की ज़रूरत पे, क्लाउड क्यों आया, तो उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा हमारे, कि एक समय में IT में क्या चलता था। तो there was a time where you know there were applications, I'm talking about 2000, 95, 2000 or even before than that. वो एप्लीकेशन तब भी बनते थे और एप्लीकेशन चलते थे। तो एप्लीकेशन चलाना है, अगर आपको यूज़ करना है, तो या तो आप वो एप्लीकेशन अपने अपने सिस्टम पे डाल लो, जैसे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन होती हैं, राइट, आप उसको इंस्टॉल करते हो फिर वो चलती है, तो वो सिस्टम स्पेसिफिक हो गई, या आपके हर सिस्टम पर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। और इसीलिए एक टाइम था वेब एप्लीकेशन आई, पहले तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही आई थी, फिर एक टाइम था वेब एप्लीकेशन आई, बोले हर एप्लीकेशन सबके सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको एक सेंट्रलाइज्ड मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं, और सेंट्रलाइज्ड मशीन बहुत बड़ी होगी इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, मेमोरी, CPU, पावर, यू नो एवरीथिंग, और उसका अलग से ध्यान रखा जाएगा, मेंटेनेंस होगा, कूलिंग होगा, सब कुछ,
तो उस मशीन को सर्वर बोलते थे, सर्वर बोलते थे। और फिर आया डेस्कटॉप के बाद, ये आया कि सर्वर रखो एक बड़ी सी मशीन, उस पर डालो, सिर्फ एक जगह इंस्टॉल करो उसको, एक जगह उसको होस्ट करो। और तब इंटरनेट आया, नेटवर्क आया, नेटवर्क आया, तो लोगों ने नेटवर्क के थ्रू उसको यूज़ करना शुरू किया। अभी जब चला तो एप्लीकेशन बनते गए और वो सब डिप्लॉय होते गए सर्वर्स के ऊपर, और उनको यूज़ करते गई कंपनीज, जो भी कस्टमर सब यूज़ करते गए। एक समय आया कि उनको रियलाइजेशन हुआ, यार ये जो बड़ा सर्वर रख लिया है हमने, जिस पे ये एप्लीकेशन डाली हैं, हमने डिप्लॉय किए हैं या होस्ट किए हैं, यार ये हमने खरीद तो लिया यार, कैपेसिटी इसका हमने 20 GB 16 GB रैम खरीद लिया, वो टाइम में 16 GB बहुत होता था, ठीक है, 4 Core CPU ले लिया, जितना कॉस्ट हमने दिया है मार्केट से लेने के लिए, बट हमारी एप्लीकेशन तो थोड़े से यूज़र यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा यूज़र यूज़ ही नहीं करते, तो कॉस्ट एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था ये ना। तो उनको उनको एहसास हुआ कि यार ये कैपेसिटी तो बहुत है बट यूज़ कम हो रही है, क्या करें। अब उस समय इतना एप्लीकेशन नहीं होता था, कम ही एप्लीकेशन होते थे, तो क्या करें, अब तो खरीद लिया है ना, अब खरीद लिया तो क्या करें, इसको ऐसे बेच भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने ट्राई करा कि ट्रेड ऑफ करके कैसे ना कैसे करके बेच दिया, या कुछ लोगों ने एक बार धोखा खा लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने और सर्वर बनाया तो उन्होंने कम कैपेसिटी का बनाया, उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, वेब एप्लीकेशन, उसको होस्ट किया, उसको यूज़ किया, तो पता चला रहे इस एप्लीकेशन में तो बहुत यूज़र आ रहा है, इस पर तो बहुत लोड आ रहा है, तो अब तो ये जो हमारा ये कैपेसिटी है सर्वर की कम पड़ गई, ये सफिशेंट है ही नहीं, रैम कम पड़ गई, CPU कम पड़ गया, अब क्या करें। अभी इस सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप, अगर आपको बोला जाए आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है और आपकी यूसेज में कम पड़ रही है, तो आप क्या करोगे। आज के टाइम में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके मदरबोर्ड में मल्टीपल स्लॉट हैं तो आप उतना ही रैम का एक स्लॉट में एक और रैम लगा लोगे, आप मल्टीपल स्लॉट का इतना तो फ़ायदा है, बट अगर आपके मदरबोर्ड में मल्टीपल स्लॉट नहीं है, एक ही है, तो आप क्या करोगे, आपको 16 GB उठा के फेंकनी पड़ेगी और 32 GB लगानी पड़ेगी, तो 16 GB रैम का क्या हुआ, जिसका आपने ऑलरेडी कॉस्ट दे रखा था, बेकार हो गई, बेकार हो गई, किसी ने ले लिया, इत्तेफाक की बात है, और हर रैम हर मदरबोर्ड पे जाती भी नहीं है, दिस अ डिफरेंस। तो यही प्रॉब्लम उनको भी आई कि अब ये जो पहले से जो इंफ्रा है ये कहाँ जाएगा, अगर मैं आज CPU चेंज कर देता हूँ तो पुराने CPU क्या करूँगा, है ना, इट्स अ हेडेक, समटाइम वो रीयूज हो गया, समटाइम नहीं हुआ, रैम का क्या करूँगा, स्टोरेज डिस्क का क्या करूँगा, तो नया आया तो पुराना बेकार, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, करेक्ट, कहाँ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आए। दूसरा, मैंने आज सर्वर सेटअप कर लिया जिसको ये प्रॉब्लम नहीं, जिन कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आए, दोनों मैंने बताए रिसोर्स वाले, उनको ये प्रॉब्लम आया कि इस सर्वर को मेंटेन करना है, सर्वर पे तो अच्छा खासा लोड है और चल भी रहा है, हमारा सफिशिएंट रिसोर्स है। अभी सर्वर यूज़ करते करते सर्वर हीटअप हो जाते हैं, आपका लैपटॉप हीट होता है ना, डेस्कटॉप हीट होता है ना, फ़ैन है, फिर भी फ़ैन है, इसीलिए है कि हीट होगा तो उसको ठंडा करें, बट जब सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर इन बड़े बड़े रूम्स में, उसके लिए कूलिंग लगती है, दैट कूलिंग कम्स फ्रॉम यू हैव टू इंस्टॉल AC देयर, वहाँ पे AC लगाना पड़ता है। तो आप AC लगाते हो, अब डिपेंड करता है आपका सर्वर रूम कितना बड़ा है, आपको AC लगाना है, फिर आपको AC का मेंटेनेंस भी देखना है बॉस, आपने जितनी चीज़ें आप इसमें लेते आओगे उतना चीज़ों का मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा। और बाय द वे कूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मतलब कंसिडरेशन, yes. क्योंकि कई बार क्या होता है आपके कंपोनेंट्स जब हीट हो जाते हैं, कई बार मेरा भी लैपटॉप जब हीट हो जाता है तो वो हैंग हो जाता है, वो रीस्टार्ट मांगता है, यू कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज योर टेम्परेचर इज टू हाई। एब्सोल्युटली। तो आज के तो इंटेलिजेंट हो गए सिस्टम्स, तो वो रीस्टार्ट मांग लेते हैं, तब के इंटेलिजेंट नहीं थे, वो सीधे बंद हो जाते थे। तो कूलिंग चाहिए, यानी AC लगाओ, AC लगाओ तो AC का मेंटेनेंस भी देखो, काफ़ी ओवरहेड है ये सब, ओवरहेड है, और इन सब चीज़ों के लिए बंदे चाहिए आपको। यस यस। सिर्फ एक शिफ्ट में काम नहीं चलेगा, जिनकी एप्लीकेशन थ्रू आउट यूज़ होती थी उनको मल्टीपल शिफ्ट में बंदे चाहिए। आप देख रहे हैं कॉस्ट आता जा रहा है, जितने बंदे जितने रिसोर्स सब कॉस्ट है, आइदर कॉस्ट वेस्ट हो रही है, कॉस्ट लग रही है ना। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये किसी एक भले आदमी ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बोलते हैं कि आप अगर मैनेज करोगे अपने आप, तो हो सकता है आप सोचो ये जो CPU जो मेमोरी बेकार हो गए हैं क्या करें इसका, आप तो फेंक दोगे, लेकिन अगर कोई सेंट्रलाइज्ड कंपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट ले ले इसका और बोले कि आप चिंता मत करो, आप बोलो आपको क्या चाहिए, हम देंगे आपको, आज आपको 16 GB रैम चाहिए, 4 Core CPU चाहिए, हम देंगे,
आप कल कहोगे आपको उससे 32 GB रैम चाहिए और 8 कोर CPU चाहिए तो भी हम देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना पुराने वाले का क्या होगा, वो पुराना वाला मैं कंपनी रख लेगी और कोई तो होगा ना दुनिया में जो आएगा बोलेगा नहीं मेरे को 4 कोर CPU और 16 GB रैम दो, उसको दे देंगे आज नहीं तो कल दे देंगे, फेंकेंगे नहीं उसको। तो आप देखें तो अगर कोई सेंट्रलाइज्ड कंपनी ये काम करती है वो इधर को उधर कर देगी रिसोर्स, ठीक है। अच्छा हमारे व्यूवर्स जो हैं या फिर जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं क्लाउड से कि क्लाउड का मतलब क्या था, क्लाउड में कुछ होता नहीं है सर, सिंपल। यस कमिंग। अच्छा हाँ कमिंग। तो आप देखोगे तो ये जो है ना ये जो हेडेक थे आपके सर से हट गए, कंपनी ने अपने सर पे ले लिया। अब कंपनी ने जब ले लिया ना तो आपके लिए ये मशीन्स हैं, काम तो आपकी एप्लीकेशन मशीन के ऊपर ही करेगी, बट वो मशीन आपके पास नहीं है, मशीन इज समवेयर दैट इज क्लाउड, समवेयर रिमोट दैट इज क्लाउड, ठीक है। यू आर नॉट मेंटेनिंग इट दैट इज क्लाउड, यू डोंट ओन इट दैट इज क्लाउड, समवन एल्स इज डूइंग इट, यू जस्ट बॉदर्ड अबाउट आपकी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। हाँ आपने अच्छा पॉइंट बोला। अब जो कंपनी आपके ऑन बिहाफ मेंटेन कर रही है तो वो तो कॉस्ट लेगी ना, वो ऐसे कॉस्ट लेगी कि उसका तो टोटल कॉस्ट निकले और थोड़ा फ़ायदा भी हो। ऑफ कोर्स आपको उस दिन से बचा रही है जहाँ पे आपके इतने रिसोर्स बर्बाद हो सकते हैं, तो आप थोड़ा कॉस्ट तो उसको दे ही सकते हो ना, तो कंपनी कॉस्ट लेती है, तो कॉस्टिंग मॉडल भी चलता है क्लाउड। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो क्लाउड क्या है कुछ फ्री अकाउंट देते हैं उसमें कुछ क्रेडिट देते हैं यूज़ करने को, उसके बाद तो पैसा लगता है। You can't learn without money. It's like same like Netflix है ना, subscription लेते हो आप, वैसे ही आपको cloud का भी subscription लेना पड़ता है। Yes, yes. अगर आप उनकी machines को use करोगे, yes. कुछ उनके resources को use करोगे। हाँ, तो आप देखिए आपने, तो ये जो cloud है, ये इस तरीके से cloud picture में आया, ठीक है। और जो जितने मैंने problem बताए आपके सर से उठा के किसी और ने ले लिए, बोले हम manage करेंगे, हम maintain करेंगे और हम घुमाते रहेंगे resource को, और देन इवॉल्व हुआ कि क्लाउड कैसे होना है, क्लाउड कैसे चलना है। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड क्लाउड, कि क्लाउड क्यों आया। क्लाउड आया बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और क्लाउड होता क्या है, समवन एल्स इज मैनेजिंग ऑन योर बिहाफ, मेंटेनिंग, प्रोक्योरिंग, प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, दैट इज क्लाउड, वेयर द ऑल एंटायर इंफ्रा इज केप्ट, वेयर यू डोंट हैव एक्सेस टू इंफ्रा बट यू आर स्टिल यू आर एबल टू यूज इट, दैट इज क्लाउड, राइट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम बात करेंगे क्लाउड मॉडल्स पे, हम बात करेंगे क्लाउड सर्विसेज पे। टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, थैंक यू ऑल, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ क्वालिटी कॉन्टेंट ऑन एज़्योर क्लाउड इन द कमिंग वीडियोज। बाय बाय।